वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 10th मैथ। हम पढ़ा रहे थे आपको सिमिलरिटी। इसके पहले हमने 4 चैप्टर मैथ के कंप्लीट कर दिया है। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, और देखने के बाद लोगों को शेयर करिए, अपने ग्रुप में अपने जितने भी आपके लिंक हैं सभी को आप शेयर करना है। क्या है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिमिलरिटी। जो सिमिलरिटी होती है बहुत कठिन होती है और समझ में नहीं आती है। देखिए सिमिलरिटी क्या है, कई रूल होते हैं। एक ट्रिंगल हमारा ये है और एक ट्रिंगल हमारा ये है। क्या हमारा ट्रिंगल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसके 3 रूल होते हैं, आपको याद रखना है। पहला रूल क्या होगा, ए मतलब इस एंगल कोण कोण कोण, तो कहने मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो क्या है, ये हमारा ये ए एंगल मतलब कोण 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 एंगल हमारा होगा। ये मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी है ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो क्या होगा, एस एस एस, क्या होगा, एस एस एस। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है कि ए एस ए मतलब क्या होगा, एक एंगल दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल होंगे, तो ये हमारा ए एस ए होगा। होते बहुत है लेकिन मेनली आपको 3 पढ़ना है, और जब हम पढ़ लेंगे तो इनका जो रेशियो होगा, अगर एंगल इक्वल होगा तो ये इसका तो ये जो भी होगा तो क्या होगा, जिस एंगल के सामने साइड होगा उसी एंगल का रेशियो आएगा। जैसे हमारे बात करेंगे अभी, क्या करेंगे हम, अगर ये ट्रिंगल है और ये हमारा ट्रिंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रॉपर्टी कर रही है, और ये एंगल इस एंगल के हमारा इक्वल है, तो क्या होगा, जो एंगल जिसके इक्वल है उसी के सामने वाली साइड लेते हैं, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो क्या होगा हमारा ए सी अपान का, यही एंगल किसके इक्वल है ध्यान रखना, पी आर के रेशियो चलता है। ये एंगल इस एंगल के साइड के इक्वल हो जाएगा तो बी सी अपान का, और ये साइड ये एंगल इसके इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इजल टू, उसके बाद ये ए बी अपान, ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा, तो मतलब ये साइड अपान ये साइड मतलब पी क्यू। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, हमें 2 चीजें इक्वल ढूंढना होगा, तो तीसरी ऑटोमेटिक हमारी इक्वल हो जाएगी। जब हमारी तीसरी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी तो वो हमारा प्रूव हो जाएगी सिमिलरिटी है। जब सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन होगा आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 चीजें आपको ढूंढनी होगी। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उसके बाद फिर क्वेश्चन बताते हैं। पहले हम एक अच्छा फिगर आपको लेकर समझाते हैं। एक क्या है, एक हमारा ए बी सी डी, एक हमारा त्रिभुज है, और इसके मध्य बिंदु पर या इसके इसके पैरल डी और ई है। क्या है, डी और ई, हमें रेशियो लाना है, कह रहा था। अब देखिए हमने जो त्रिभुज ले लिया है ए डी ई और त्रिभुज एंड ए बी सी में, अब देखिए पहले हम इसके प्रॉपर्टी इक्वल करेंगे। कैसे हम प्रॉपर्टी इक्वल करेंगे, अब देखिए एक ट्रेंगल हमारा ये है, ये एक ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल बड़ा ये है,
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखिए जो ए एंगल है वो दोनों एंगल है, ए इजगल टू ए कॉमन है, क्या है कॉमन एंगल है, क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, मतलब ए एंगल जो भी है ईस्ट त्रिभुज में आ रहा है और इस त्रिभुज में आ रहा है, और ये इसके पैरल हैं, क्या है डी जो डी लाइन है वो बीसी के पैरल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इसके इक्वल होगा। जब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो ये भी एंगल क्या होगा इसके इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो अब देखिए रेशियो कैसे लेंगे, जैसे हमने ये हो गया इसके इक्वल होगा तो क्या होगा जो हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग होगा, प्रूव हो गया हमारा। जब हमारा प्रूव होगा ए क्या होगा ए रूल हमारा प्रूव हो गया, तो उसके बाद रेशियो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये इस एंगल के सामने हमारा क्या है डी है, क्या है हमारा इस एंगल के सामने क्या है डी, और इसी एंगल के सामने क्या है हमारा बीसी, रेशियो चलता है। फिर अब समझ लीजिए ये एंगल जो हमारा क्या होगा ये एंगल किसके इक्वल है इस एंगल के, तो क्या होगा ए ई अपान का इस एंगल के सामने कितना पूरा हमारा ए सी है। इसी प्रकार ये हमारा जो भी एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो जो हमारा ये एंगल है वो किसके इक्वल है एडी के, एडी आ जाएगी साइड इसके सामने, और जो हमारा क्या कहते हैं एंगल सी है वो किसके इक्वल है हमारा ए बी, क्या हमारा ए बी, ये क्या हमारा एंगल का जो रेशियो आएगा, जो हमारे क्या कहते हैं साइड का रेशियो आएगा कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे हम, क्या है कि इसके सामने ये जो एंगल जिसके इक्वल होगा बस उसी के क्या कर लेते हैं हम साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम साइड ले लेते हैं। अब देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा था कि क्वेश्चन फिगर कुछ इस टाइप का है, कह रहा था कि अगर पी क्यू जो भी है वो हमारा आर एस के क्या है पैरल है, जो हमारा क्या है पी क्यू है वो आर एस के पैरल है, क्या है जो हमारा पी क्यू है वो आर एस के पैरल है, दिया था हमें प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि जो हमारा आर ओ पी, क्या हमारा प्रूव क्या करना है आर ओ क्यू, आर पी ओ क्यू, पी ओ क्यू सिमिलर होगा, ये ट्रिंगल इस ट्रिंगल का सिंगल होगा, मतलब कह सकते हैं आर आर ओ एस, आर ओ एस, ये हमें प्रूफ करके लाना है, क्या हमें प्रूफ करके लाना है कि ये ट्रिंगल इस ट्रिंगल के इक्वल है, क्या होगा। अब तीन दो चीजें हमें ढूंढना है, तीसरी चीज क्या हो जाती है हमारी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। अब देखिए ये एंगल क्या है हमारा इक्वल है, तो कह सकते हैं इस एंगल को हमने वन लेट कर लिया और इस एंगल को टू लेट कर लिया, एंगल वन इजल टू एंगल टू के क्या हुआ, क्योंकि क्या ये हमारा अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, सॉरी क्या है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब विपरीत एंगल एंगल है, क्या हमारा विपरीत एंगल है। दूसरा क्या है जो हमारा एंगल थ्री होगा, लेट कर लिया एंगल फोर, क्या होगा जो हमारा थ्री एंगल होगा वो फोर के इक्वल होगा, क्या होगा क्योंकि
अल्टरनेट एंगल है, एकांतर एंगल है, अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट एंगल है। फिर तीसरी क्या होगी, ए बी तो हमारे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, क्या होगा, जो हमारा क्या कहते हैं फोर फाइव एंगल होगा वो सिक्स एंगल के, एलिट कर लिया इनका जो फाइव होगा वो सिक्स एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब तीन चीजें हमारी मिल गई, इसका मतलब हमारा जो है वो ट्रिंगल पी ओ क्यू समरूप होगा आर ओ एस के, मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा आर ओ एस के। तो आप क्या करना है, दो चीजें आपको लानी लानी होगी तभी हम कर पाएंगे। तो क्या किया हमने कि इसके पैरेलल दिया, तो पैरेलल के हम कंडीशन जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे दोनों अपोजिट एंगल हैं, हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का एक्सरसाइज क्या, हमारी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, इसके कई पार्ट हैं, क्या है इसमें बताना है कि कौन सा सिमिलर है। ए बी सी पी क्यू आर, ये 60 है, ये 80 है, ये 60 40 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 80 है। इसमें बताना है सिमिलर कि नहीं है, क्यों, ये जो हमारा ए है वो पी के इक्वल है, मतलब 60-60 दिया है, और जो हमारा बी है वो क्यू के इक्वल है, 40 दे दिया है, और जो जो क्यू है वो 80 दे दिया है, या आर ए बी सी के 40 दे दिया है। इसका मतलब हमारे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो किया, हमारी प्रॉपर्टी ए ए ए रूल फॉलो किया, क्या किया हमारे, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, क्या है सिमिलर है। इसी प्रकार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सभी, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 क्या है, ए है, बी है, ये सी है, ये 60 है, ये 80 है, 3√3 है,
ये 3.8 है। सिक्स रूट थ्री है, 7.6 है लिक्टर में। इसमें एंगल पूछा था, एंगल हमारा पी क्या होगा और एंगल हमारा सी क्या होगा। अब देखिए एंगल सी तो हमारा आ जाएगा 60, 80, 60 कितना हो गया, 8 से 14 हो जाएगा, ये कितना होगा हमारा 40 होगा। अब देखना कि हमारा किस कौन से एंगल किसके इक्वल है। अब देखिए अगर हम ये साइड का और ये साइड का रेशियो निकालेंगे तो 3/√3, 6/√3 कैंसिल कर देंगे, ये 1/2 आ जाएगा, यानी मतलब 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसका इस एंगल से निकालेंगे सिक्स दिया हुआ था, इसका हम जब इससे निकालेंगे तो क्या होगा, 12/6/12, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। फिर हम जब हम इसको इसको निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3.8/7/6, तो कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। इसका मतलब कि रेशियो हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब हमारा रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो पी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये इसके इक्वल हो रहा है तो ये वाले वैल्यू लाना है, जब ये हमारे क्या कहते हैं इसके इक्वल हो रहा है और ये जो 8 है वो 6 के मतलब इसके इक्वल हो रहा था, तो हमारे जो भी हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो 40 हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू हमारी 40 आ जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा, क्योंकि जिसके जितने आमने मतलब जो भी साइड का रेशियो आएगा उसी के एंगल इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल हो गया, ये जो हमारा 40 है ये 6 और 6 का रेशियो चल रहा था, तो हमारा जो बचा होगा एंगल वो 40 होगा। यही एंगल हमारा पी पूछा गया था कितना है, 40, कितना हमारा एंगल 40 है। तो क्या है जो सिमिलरिटी है, क्या है हमारे जो सिमिलरिटी है, बहुत ही ईजी है। और हमें क्या है कि एंगल हमें फाइंड करना होगा कि कौन से एंगल किस एंगल के इक्वल है। दो चीजें आपने अगर मालूम कर लिया तो तीसरी ऑटोमेटिक इक्वल कर देना है, क्या कर देना है, तीसरी ऑटोमेटिक इक्वल कर देना है। तो क्या है जो हमने आज कितने क्वेश्चन लगवाए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन लगवाए, उसके बाद हमने ए ए ट्रिपल ए